तो नाम पीयूष कुमार है और लिखना अच्छा लगता है, खासकर टू लाइनर्स। अभी लिखते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी लर्निंग फेज में ही है। तो आज अपना ही कुछ लिखा हुआ सुनाना है और टॉपिक वही है मोहब्बत, लेकिन उसे थोड़ा अलग तरीके से बताना है। तो वाकिफ सभी हैं इस सब से, लेकिन मेरा नज़रिया जो है वो थोड़ा अलग है। तो वो कुछ इस तरह है कि जो दरअसल मोहब्बत है वो किसी की शक्ल या किसी की रूह से नहीं होती, वो किसी के होने या न होने के एहसास से होती है। तो ये जो पोइट्री है वो एक पोइट्री ना होकर के एक सफ़र है कि एक आशिक है, वो चाहता है कि उसको उसकी महबूबा के साथ कुछ मतलब चैन के पल मिले, सुकून से बातें हों। तो ये सफ़र उसी को बयां करता है। तो मोहब्बत सबको होती है, तो भाई दिल ने पूछा कि भाई हज़ारों लड़कियां हैं तो आखिर वो ही क्यों। तो फिर जवाब भी खुद ही ढूंढ लिया कि जिस तरह कुछ मीठा खाने के बाद हम कुछ देर तक पानी नहीं पीते ताकि उसका स्वाद कुछ देर तक बना रहे, उसी तरह उसके साथ भी जितने भी पल मिले वो भी कम लगते हैं। तो उसी को लिखते हुए कुछ मतलब उसकी जो खूबसूरती है उसको देखा और फिर उसके साथ समय बिताने के लिए एक चाह मन में उठी। तो उसी को देखते हुए एक कविता है थोड़ी सी। अब उसकी जो खूबसूरती है वो मुझे तो पता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता होगी तो इस सफ़र का आनंद नहीं ले पाओगे। तो उसकी खूबसूरती कुछ इस तरह बयां है कि जिसे शब्दों में न कह पाऊँ वो उस जज्बात सी है, जिसे शब्दों में न कह पाऊँ वो उस जज्बात सी है, वो सच में दिसंबर की उस सर्द और हंसी रात सी है। अब जो ये पोएम है वो एक थॉट ऑफ इमेजिनेशन है, एक आशिक सोच रहा है कि मतलब उसको कुछ टाइम मिले। तो उसका जो टॉपिक है वो ये है कि सोचो कितना हंसी होगा वो लम्हा, सोचो कितना हंसी होगा वो लम्हा जब साथ होंगे तुम मैं और रात की ये तन्हाई, सोचो कितना हंसी होगा वो लम्हा कि जब साथ होंगे तुम मैं और रात की ये तन्हाई। शायद उस रोज आसमां में चांद की जरूरत नहीं, शायद उस रोज आसमां में चांद की जरूरत नहीं होगी, बादल बड़ी ही चालाकी से उसने उसे अपने आगोश में छुपा लेंगे, बादल बड़ी ही चालाकी से उसे अपने आगोश में छिपा लेंगे और दीदार करेंगे सिर्फ तुम्हारा, पहरेदारी पर जुगनू होंगे और रात हमेशा से और भी ज्यादा गहरी होगी, पहरेदारी पर जुगनू होंगे और रात हमेशा से और भी ज्यादा गहरी होगी, हवाएं भी साजिश करेंगी कुछ ना कुछ, ये हवाएं भी साजिश करेंगी कुछ ना कुछ। सुनो एक गुजारिश है तुमसे, उस रोज जुल्फों को अपनी खुली ही रखना, उस रोज जुल्फों को अपनी खुली ही रखना, शायद ये हवाएं उन्हें अपने साथ उड़ाने की कोशिश करेंगी। सुनो होठों को कोई काम ना देना उस रात, सुनो होठों को कोई काम ना देना उस रात, बातें हमारी निगाहें करेंगी उस एक पल में, मानो हजार पलों की खुशियां बिखर सी जाएंगी, उस एक पल में मानो हजार पलों की खुशियां बिखर सी जाएंगी। शिकायत बस रात का अंधेरा करेगा तुमसे, शिकायत बस रात का अंधेरा करेगा तुमसे, तुम्हारी चमक के आगे उसकी कोशिशें भी नाकाम हो जाएंगी। तुम्हारी चमक के आगे उसकी कोशिशें भी नाकाम हो जाएंगी, सितारों की रोशनी भी कुछ मध्यम होगी, सितारों की रोशनी भी कुछ मध्यम होगी, और सर्द हवाएं जून में नवंबर का एहसास कराएंगी, और सर्द हवाएं जून में नवंबर का एहसास कराएंगी। फूल उस रात पछताएंगे कोसेंगे अपने आप को, फूल उस रात पछताएंगे कोसेंगे अपने हाथ आपको, शायद खूबसूरती तुम्हारी शर्मिंदा उन्हें भी कर जाएगी, कि शायद खूबसूरती तुम्हारी शर्मिंदा उन्हें भी कर जाएगी। सुनो जैसे चुरा लेती हो हमेशा मुझसे आंखें, जैसे चुरा लेती हो हमेशा मुझसे आंखें, उस रोज मत चुराना, उस रोज मत चुराना, क्योंकि मेरी आंखें, मेरी आंखें तुम्हारी आंखों में ही खोना चाहेंगी। वो एक पल मानो ऐसा होगा कि जिंदगी में पहले कभी ना हुआ हो, वो एक पल मानो ऐसा होगा कि जिंदगी में पहले कभी ना हुआ हो, कि मानो प्रकृति अपने ही सारे नियम गलत कर जाएगी, कि मानो प्रकृति अपने ही सारे नियम गलत कर जाएगी। सोचो कितना हंसी होगा वो लम्हा जब साथ होंगे तुम मैं और रात की ये तन्हाई।